ऐसा रोज टोनर जो बालों को मोटा बनाता है और 15 दिनों में हेयर ग्रोथ करता है। इसको डेली यूज करने से बाल थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गुलाब के फूल तो सभी के घर में होते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप 2-3 फूल अपने आसपास से ले आओ, क्योंकि आज हम गुलाब के फूलों की पत्तियों से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हेयर ग्रोथ टोनर बनाने वाले हैं जो पतले बालों को मोटा करेगा और इससे आपके बालों में चमक भी आएगी। तो इस रोज टोनर को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बर्तन ले लो और इस बर्तन में आपको ऐड करना है 1 से 2 गुलाब के फूल की पत्तियाँ। मुझे भी ये 2 ही फूल मिले थे तो मैंने यहाँ पर 2 ही लिए हैं। आपके पास अगर 1 है तो आप 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये टोनर जो हम बनाएंगे आपको इंस्टेंट बनाना है और इंस्टेंट इस्तेमाल करना है, तो 1 गुलाब के फूल से भी आपका काम हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हमारे बालों में ग्रोथ करता है। गुलाब के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। इसके साथ साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी होता है जो हमारे स्कैल्प से ड्राइनेस इचीनेस को कम करके बैक्टीरिया को खत्म करता है। गुलाब की पत्तियां हमारे बालों की जड़ों को नमी देने का काम करती है, तो मैंने 2 गुलाब की पत्तियां तोड़कर इस बर्तन में डाल दी है। नेक्स्ट आपको इसी में ऐड करना है लौंग। तो सर्दियां आ गई हैं और लौंग भी आपको आपके किचन में इजीली मिल जाएगी। लौंग का तेल, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है और लौंग खुद हमारे बालों का टूटना रोकता है। लौंग से हमारे बालों में चमक भी आती है और ये खाने में थोड़ा स्पाइसी लगता है, और इसकी यही क्वालिटी की वजह से इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे बालों के स्कैल्प को साफ रखता है और इससे अदर इन्फेक्शन हमारे बाल से बचे रहते हैं। 4 लौंग आप इसमें ऐड कर लो। लास्ट हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। आप हर जगह वीडियो में देखिए, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं कि करी लीव्स में कितने सारे गुण होते हैं आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपको भी आपके घर के आसपास कड़ी पत्ता नहीं मिलता है तो आप एक बार में खरीद कर इसको धूप में सुखा कर रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इनको सुखा कर रखा हुआ था और मैं इन्हीं का यूज कर रही हूँ। करी लीव्स कितना बालों के लिए अच्छा होता है, इसमें हर तरीके के न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, सभी चीजें होती हैं जो हमारे बालों को भरकर पोषण देती है। एंड जब अच्छा पोषण हमारे बालों को मिलता है तो हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, करी लीव्स में अमीनो एसिड होते हैं एंड अमीनो एसिड हमारे बालों में चमक लाने का काम करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं एंड हर तरीके से करी लीव्स ऑल ओवर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों की हर नीड को पूरा करता है। थोड़ी सी आप इसमें करी लीव्स ऐड कर लो। अब आपको इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करना है। इसके बाद इन सभी चीजों को आप गैस पर रखकर थोड़ी देर बॉयल कर लो। धीरे धीरे आप इसको पकाओ ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सभी चीजें पानी के अंदर अच्छे से चली जाएं। जब आप इसे अच्छे से पका लेंगे तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आप इसे छान लो। छानने के बाद आप इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दो। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो आप इसे तेल की तरह भी यूज कर सकते हो और आप इस तरीके से इसे स्प्रे बोतल में भी रख सकते हो। इस टोनर की शेल्फ लाइफ 1 वीक है। आप इसे सिर्फ 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हो। आप इसको डेली बाल में लगाकर थोड़ी देर मसाज करो। रोज अगर आप इसको मसाज करते हो अपने बालों में, आपके बाल तेजी से बढ़ते हैं। इससे आपका हेयर फॉल भी रुक जाता है और इसके बाद अगर आप हेयर वॉश भी नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपके बालों में उल्टा खुशबू आएगी। तो आप 2 या 3 दिन में जितने दिन में भी हेयर वॉश करते हो आप इसको डेली यूज करने के बाद कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ बनाकर इसको ट्राई करो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो।